तो ये जो कहानी है ये है लैलपुर पाकिस्तान 1940s की, जिसको अब फैजलाबाद के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है मेरी दादी की, जिन्हें हम बुलाते हैं झाई। और ये है मेरी झाई जी, इनका दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे से। 4 बजे ये उठ जाती हैं। और मेरी दादी जी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखती हैं। हालांकि ये अभी 84 साल की हैं, इट्स लाइक 84। ये कहानी जो सुनाएंगी वो मेरी दादी ही सुनाएंगी, और मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे दादी जब वो 1947 का टाइम आया, वहाँ से यहाँ पे कैसे आई, यहाँ पे कहाँ पे पहुँचे, फिर उसके बाद कहाँ पे गए। बाय द वे, ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से और ख़त्म होती है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में जब दादी, सबसे पहली बात मैं बता दूंगा, दादी को बोलते हैं हम झाई, झाई जी। तो आगे अब मैं दादी बोलूंगा नहीं तो आप समझ जाना, ठीक है? हमारे में झाई जी क्यों बोलते हैं वैसे? ऐसे नाम बनाया, कोई झाई जी सत्ता है, कोई बेबे सत्ता है, कोई कोई सत्ता है, जैसे बच्चों ने नाम बना। पंजाबियों में ऐसे होता है? हाँ, पंजाबियों में ऐसे होता है, पंजाबियों में ऐसे। तो झाई जी हुई थी कब? हुए थे 1937 में। 37 में? और अभी कितने साल के हो अब? 84 84। हाँ, 84 85 के अराउंड है। हाँ। अभी हाल ही में इनका बर्थडे गया, मई 10th में। और दादी को 3 लैंग्वेज आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। हैं? इंग्लिश आती है, छोटी मोटी आती है। छोटी मोटी आती है, इंग्लिश आती है। कौन सी क्लास तक पढ़े थे आप? मैं पढ़ी 8 तक, पहले ज़माने में। अच्छा, 8 तक पढ़ी मैंने। सारी पढ़ाई आपकी पाकिस्तान में ही हुई है? नहीं, फिर? पाकिस्तान में तो 9-10 साल की थी। तो जब तक स्कूल नहीं गए थे? जाती थी, छोटी सी जाती थी वहाँ, कह तो रही, दूसरी तीसरी पढ़ती थी। दूसरी तीसरी वहाँ पे पढ़ते थे? वहाँ पे पढ़ती थी, पाकिस्तान में लायपुर में। लायलपुर? हाँ, लायपुर। वो लाहौर के पास जो है, वो ने गूगल मैप पे देखा है, लाहौर के पास। हाँ, तो आप वहाँ पे हुए लायलपुर में? लायलपुर में हुई है। फिर आपकी फैमिली में कौन कौन था? हमारी फैमिली में मेरे चाचा जी थे, हमारे साथ ही रहते थे, पास ही घर था उनका भी, वो भी यही काम करते थे, और वैद्य का काम भी करते थे, हकीम हरिचंद बाबू, सुभाष के बाबू, ये भी काम करते थे, और हमारी करियाने की दुकानें भी थी। अच्छा। हाँ, और चाची जी थी, और दादा दादी भी थे, वो जंग रहते हैं। जंग? हाँ, जंग, जंग मंगियाना नाल पुंडा थे, वहीं पे पास में है। हाँ, दादा दादी वहाँ रहते थे। अच्छा, आप अलग रहते थे? हाँ, अलग लहरपुर में रहते थे, क्यों काम वहीं पर थे, दुकानें वहीं पर थी। और दादा दादी अलग और चाची चाची अलग? हाँ। या तो वो चाची चाची दादा दादी के पास रहते थे? पता नहीं, पास रहते, याद नहीं। अच्छा, तो आपके चाची चाची के कितने बच्चे थे? उनके 2 लड़का और 1 लड़की। 2 लड़का और 1 लड़की? हाँ ना, 1 लड़का 1 लड़की। अच्छा। सुभाष अंगुजरा नहीं, ग्राम मेरा। अच्छा। हम मिल के खेलते थे वहीं पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या खेलते थे? क्या खेलते थे? क्या खेलते? आपस में पकड़ने का, छूने का ये खेलते थे हम। फिर बीच में किसी समय मेंढक आ जाता था, फिर मेंढक को हम पकड़ने भागते थे, फिर मैं गिर गई वहीं पे। अच्छा। गिर गई और मेरी चूड़ियाँ यहाँ तक डाल रखी थी, टूट गई। तो आप जो छोटे तब चूड़ियाँ डालते थे? छोटी सी, हाँ छोटी सी, मैं दूसरी तीसरी पढ़ती थी। और आप दो बहनें थे? दो बहनें थी, एक भाई तो यहाँ आके हुआ था। अच्छा, आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापे का कारखाना था, मिठाइयों का, टॉफियों का। अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, मतलब आप वहाँ पे हुए, फिर वहाँ बहुत रोले पड़ गए, बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई, तो फिर वहाँ से हम खन्ना मंडी आ गए 47 में। हाँ, 47 तो में। आप 10 साल के थे? हाँ, तब 10-11 साल की थी मैं, थे आगे खन्ना मंडी, खंडे मंडी। फिर आप कौन सी क्लास में थे? तीसरी में। अच्छा। तो फिर वहाँ पर आके हम खन्ने मंडी आके, फिर वहाँ वहाँ भी झगड़े हो रहे थे, वहाँ से हम फिर दिल्ली आ गए।
कौन कौन बचा, सारे आ गए कौन? नहीं, हम तो अपने मकान में वहाँ बैठे रहे, इधर उधर हम देखो, हम लूटे बुट्टे पहले ही आए हैं पाकिस्तान से, छत पे खड़े होके दिखाया था हमने, अपने गेट के आगे ईंटें लगा रखी थी, एकदम अंदर ना घुस आए, ईंटें जोड़ के लगा रखी थी। तो सारा ऐसा माहौल हो रहा होगा, सब भाग रहे होंगे इधर से उधर। वो फिर थोड़े दिन बाद हम वहाँ रहे, कुछ दिन बाद हम फिर दिल्ली आ गए वहाँ से खंडे। तो वहाँ पे माहौल तो बिल्कुल ऐसा हो गया, लड़ाई वाला हो। तो आपने सारी चीजें देखी? हाँ, हमने देखी, और अंदर भी हमारा धुआं धुआं हो गया कमरा जहाँ हम रहते थे। पक्की थोड़ी दीवारें थी वहाँ पे, वहाँ पर कच्ची थी मिट्टी की बनी, ऐसे ईटे रख के दीवारें बना रखी थी। अच्छा, खन्ने मंडी में तो ऐसे घर नहीं होते थे पहले? ना, वहाँ ऐसे नहीं थे, आगे दिल्ली में ऐसे हैं पर वहाँ पर नहीं थे जहाँ हमने देखे थे ना। तो जब तो सारा बंजर जैसा, बीच में, हाँ बीच में ना चूड़ियाँ डाली हुई थी दीवारों के बीच में, देखा जब उन्होंने गोली मारी ना, दीवार पर लगी ना जो, तो उसमें से चूड़ियाँ निकली। सोने की? नहीं, कांच की चूड़ियाँ। आप तो अंग्रेज वगैरह भी देखे होंगे आपने? अंग्रेज देखे उस टाइम पे? नहीं थे अंग्रेज ना, होंगे पर वहाँ पर नहीं थे। अच्छा, ऐसे बुरी हालत हुई वहाँ पे, फिर हम तो वहीं रुक गए, खन्ने मंडी आ गए, आगे गए नहीं, वहीं रुक गए। और वहाँ फिर आप कितने सब थे, आपके चाचा, आपकी मम्मी? सब थे हम। दादा दादी भी? दादा दादी नहीं थे। दादा दादी कहाँ थे? पता नहीं, पहले निकल गए हूँ, पता नहीं। दादा दादी मिले ही नहीं उसके बाद ना? फिर सारे आप सही सलामत आ गए यहाँ? हाँ, वहाँ से दिल्ली में मम्मी सही सलामत, मम्मी तो खन्ने मंडी गुजर गई थी, बीमार हो गई थी, बुखार होया, खत्म हो गई, बुखार हो गया था। हाँ, बुखार खराब हो गया था, बुखार। तो वहाँ पे आपकी मम्मी गुजर गई? मम्मी मेरी गुजर गई। और चाचा चाची? हाँ, चाचा चाची भी पहुँच गए, दिल्ली आ गए सारे हम मिल के। तो फिर वहाँ से आप दिल्ली आए कैसे? दिल्ली ट्रेन में आए। ट्रेन कैसे आ रही थी, मतलब ट्रेन? फिर और ट्रेनें आ गई ना, कई हिंदुओं की, पंजाबियों की ट्रेनें आ गई, वो भेज रहे थे वहाँ से, वो वहाँ से भेज रहे थे, साथ मिलिट्री आ रही थी। अच्छा, मिलिट्री के साथ आए? हाँ, मिलिट्री के साथ आए थे हम। अच्छा, तो वो आप बहुत सारे लोग हो गए, बड़े गाड़ियाँ भरी हुई, घचमच भरी हुई, बिल्कुल लदी हुई गाड़ियाँ ऊपर तक, इतने हो, इतने पंजाबी बेचारे लुटे पुटे वहीं से आ रहे थे, बड़ी मुश्किल आए। फिर जो सोना सोना था ना, वो यहाँ रख के अपने, और बाकी घर भरे छोड़ के आ गए। तो आप घर भी आपके अपने थे? घर भी हमारे थे, सब छूट गए? हाँ, सब छूट गए, घर भी हमारे थे, अपने थे, अच्छे बने। तो आपका घर बड़ा था? बहुत ठीक था, ऊपर नीचे बना हुआ था, ये तो मेरे को याद है। दो मंजिल? दो मंजिल बना, तो ऊपर भी था नीचे भी था। पहले ये पूरा हिंदुस्तान था इतना बड़ा? हाँ, नाम बाद में रखा है, वैसे था हिंदुस्तान, सारे मुसलमानों के घर थे, मुसलमान रहते थे, हिंदू और मुसलमान सारे इकट्ठे ही रहते थे बीच बीच में। खन्ने मंडी कितने महीने रहे थे? महीना दो रहे वहाँ। जब दंगे चलते रहे थे? हाँ, नहीं, जब दंगे खत्म होते ही हम भाग आए थे, दो महीने बाद। दो महीने तक दंगे चल रहे थे? हाँ, चल रहे थे वहाँ पर। अच्छा, फिर वहाँ से हम आ गए दिल्ली। मेरी अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको फैलाओ, चला दो आगे, चला दो। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पे कर लो भाई, आप पे कर लो भाई।